दोस्तों, आपने भूकंप की तबाही का मंजर कहीं ना कहीं तो न्यूज में देखा होगा। कई जगह भूकंप इतना ज्यादा भयानक होता है कि भयंकर तबाही मचा देता है। लेकिन तभी आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि आखिर भूकंप आता कैसे है? पृथ्वी के अंदर ऐसी क्या हलचल होती है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह को हिलाकर रख देती है? आखिर यह हलचल जमीन के कितने किलोमीटर अंदर होती है? तो चलिए आज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। कई लोगों को इसके बारे में पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो रिपोर्ट को देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अभी जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये साल 2015 की है जब नेपाल में भूकंप आया था। किस प्रकार इस वीडियो में जमीन हिलती हुई नजर आ रही है, उसके बाद धड़ाक से एक बिल्डिंग लोगों के ऊपर गिरती है। नेपाल में आए भूकंप से करीब 8000 लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके झटके चीन, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान तक महसूस किए गए। नेपाल में आया भूकंप पृथ्वी की 15 किलोमीटर गहराई के अंदर हुई हलचल से आया था। वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना कि आप भी घर बैठे कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं और कोई प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक धाकड़ प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए आप मोतीलाल ओसवाल पर फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी में से एक है। यहाँ पर जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल भारत की 30 साल पुरानी कंपनी और बहुत ही विश्वसनीय ब्रोकरेज कंपनी है और आज उसके पास 10 लाख प्लस कस्टमर है। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो आपको बताता है कि कब क्या बाय करना है और कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एक ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और ये यूज करने के लिए बहुत ही इजी और सिंपल है। इसमें एजुकेशनल वीडियो भी हैं जिससे आप ट्रेडिंग का नॉलेज ले सकते हैं। रेडीमेड म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियोज और यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है और बहुत से नए फीचर जो आपको किसी और एप्लीकेशन में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 के डिस्काउंट कूपन एंड 1000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी देता है। यह बहुत ही सेफ और सिक्योर ट्रेडिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जिससे आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो तुरंत उस पर क्लिक कीजिए और अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिटी ऐड कीजिए और अपना डीमेट अकाउंट ऑन कीजिए। अगली जो आप अभी ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलास्का की है जो साल 2018 की है। यहाँ पर भूकंप ने जबरदस्त कोहरा मचाया था। कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप यहाँ पर कितना ज्यादा खतरनाक था। कई जगह पर रोड फट गई, लोगों के घर हिलने लग गए, लोगों ने घर से बाहर आकर अपनी जान बचाई। दोस्तों, भूकंप के खेल को अच्छी तरह समझने के लिए हमें पहले पृथ्वी की परतों को समझना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी कुल 4 परतों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है। इस परत पर हम लोग रहते हैं। ये लगभग 50 किलोमीटर मोटी परत है। इसके नीचे आती है मेंटल वाली परत जो कि एक काफी मोटी परत होती है। ये भी लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर बड़ी लेयर है। इसके थोड़ा अंदर जाते ही आती है आउटर कोर जो कि 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक गहरी है और पृथ्वी के सबसे अंदर मौजूद है इनर कोर। पृथ्वी के अंदर वाला ये भाग बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। यहाँ का तापमान लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इतना तापमान हमारे सूरज की सतह पर मौजूद है। इसकी गहराई 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर है और हम भूकंप की बात कर रहे हैं तो यह सारा खेल ऊपरी परत में होता है जिसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हमारा घर है। इस क्रस्ट पर पृथ्वी की ये वाली परत लगभग 50 किलोमीटर तक मोटी होती है और समुद्री इलाकों में यह कम गहराई होती है। हमारी पृथ्वी पर भूकंप तब आता है जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है। अब इसे आसान लैंग्वेज में समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ये पूरी तरह से बंद नहीं है, यानी कि जैसे अंडा ऊपर से पूरी तरह पैक होता है उसी तरह हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पैक नहीं है। पृथ्वी की ऊपरी परत काफी टुकड़ों में बटी हुई है और ये प्लेट इधर उधर खिसकती रहती है। एक प्लेट दूसरी प्लेट को धक्का मारती है। कभी ये धक्का इतना तेज होता है कि कोई प्लेट सामने वाली प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है या उसके नीचे धस जाती है और इसी वजह से जो जमीन के अंदर हलचल पैदा होती है उससे जमीन हिलने लगती है और जमीन के अंदर जहां पर ये सब कुछ होता है वहां से वेव के रूप में एनर्जी बाहर निकलती है जिन्हें सेस्मिक वेव कहते हैं।
जमीन के अंदर होने वाली ये घटना जमीन को हिलाती है और जिस जगह पर ये प्लेट आपस में टकराती है वहां पर भूकंप का प्रभाव ज्यादा होता है। उस जगह पर मौजूद मकान वगैरह सब कुछ जमीन के हिलने की वजह से गिर जाते हैं और एक भयानक तबाही का मंजर उभर कर आता है। इसे ही हम भूकंप कहते हैं। वो मंजर कुछ इस टाइप का होता है, वीडियो में आप देख सकते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए वैज्ञानिक रिक्टर स्केल नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए वैज्ञानिक इस बात का पता लगाते हैं कि भूकंप कितना ज्यादा तेज था। आपको पता होगा कि 1960 के दशक में दक्षिण चिली में एक भयंकर भूकंप आया था। इस भूकंप की तबाही में करीब 4,485 लोग मारे गए थे। इस भूकंप का मंजर इतना ज्यादा खतरनाक था कि करीब 2,00,000 लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। चिली में आए इस भूकंप की तीव्रता वैज्ञानिकों ने करीब 9.5 रिक्टर स्केल नापी थी। इसके साथ ही इतिहास में ऐसे भूकंप के कई मंजर आए हैं जिन्होंने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी पर आए दिन भूकंप आता रहता है, लेकिन उनका प्रभाव इतना कम होता है कि हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। उन्हें केवल तकनीक के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है। लेकिन भारी तबाही वाले भूकंप बहुत ही लंबे समय के बाद आते हैं, जो कि लाखों करोड़ों रुपए की जान माल की हानि करके ही जाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के 20 से 25 किलोमीटर गहराई से होती है। 20-25 किलोमीटर की गहराई के अंदर जब कोई चट्टान टूटती है या आपस में टकराती है तो इधर उधर खिसकने की वजह से जमीन हिलने लगती है। उसके झटके हमें जमीन पर महसूस होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मोस्टली भूकंप यहीं से आते हैं, 20-25 किलोमीटर अंदर से। इसके बाद आता है पाताली भूकंप। दरअसल पाताली भूकंप वे होते हैं जो पृथ्वी की सतह से 250 से 700 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी की इतनी गहराई में हलचल क्यों होती है, इसका वैज्ञानिक आज तक सटीक रूप से कारण नहीं पता लगा पाए हैं। वहां पर भी चट्टानों के आपस में टकराने से भूकंप पैदा हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के भूकंप इतनी गहराई से बहुत कम आते हैं। अब बात करते हैं भारत में भूकंप कहां पर ज्यादा आते हैं। दोस्तों, भूकंप के क्षेत्रों को 5 जोन में रखा जाता है, 1 से लेकर 5 तक। लेकिन पहले जोन में इतना ज्यादा प्रभाव महसूस नहीं होता है, तो इसे वैज्ञानिक भूकंप जोन नहीं मानते हैं। 2 से लेकर 5 तक भूकंप जोन है। जैसे कि आप मेरे पास में मानचित्र के अंदर भूकंप के क्षेत्रों को देख सकते हैं। सबसे पहले आप दूसरे जोन को देखिए। दूसरे जोन में जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं मैप के अंदर, यहां पर भूकंप का प्रभाव बहुत ही न्यूनतम होता है। इसके बाद आता है भूकंप का तीसरा जोन। इन क्षेत्रों में भूकंप का प्रभाव सामान्य होता है। और फिर आता है चौथा जोन। चौथे जोन के क्षेत्र आप जो अभी मैप में देख पा रहे हैं, यहां पर भूकंप का काफी ज्यादा अधिक प्रभाव रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक जोन है वह है पांचवा जोन। पांचवे जोन के क्षेत्र जो आप अभी क्षेत्र में देख पा रहे हैं मानचित्र में, इन जगहों पर भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ये भारत के कुछ इलाके हैं जो कि भयानक तबाही का मंजर यहां पर आता है। भारत में ये जगह आप देख सकते हैं जो कि चिन्हित मैप में दर्शाया गया है। अब दोस्तों, इन भूकंपीय तरंगों से भी हमें पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे कि अब पृथ्वी के अंदर की परतों के बारे में हम आज सब कुछ जानकारी रखते हैं। तो आखिर ये बात हमें पता कैसे चला कि पृथ्वी के इतने किलोमीटर अंदर ये पदार्थ मौजूद है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर के भाग की जानकारी वैज्ञानिकों ने मोस्टली भूकंपीय तरंगों से ही जुटाई है। साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट से भी हमने पृथ्वी के अंदर के भाग की पढ़ाई की है। अब दोस्तों, भूकंप का टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।